हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है बाल गोविंद भगत, जिसके राइटर का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। मैं आपको पहले लेखक का परिचय दे देता हूँ। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1879 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण इनका आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीता था। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई थी। अब मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताता हूँ। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उनकी उम्र 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनते और सिर पर कबीरपंथी और किसी कनफट्टी टोपी, सर्दियों में ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मानों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला पहने रहते थे। उनका एक बेटा और पतोहू थे। वे कबीर को साहब मानते थे, किसी दूसरे की नहीं छूते और न बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गाँव खेतों में काम कर रहा होता, तब बाल गोविंद भगत पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों का गीत गाते हैं। भादों की अंधेरी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास के उनकी प्रभातियाँ शुरू हो जाती। वे अहले सुबह नदी स्नान को जाते थे और लौट कर पोखर के ऊँचे बिंडे पर अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते थे और अपना गाना शुरू कर देते थे। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का चरमोत्कर्ष तब देखा गया जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था तथा उस पर कुछ फूल बिखरा पड़े थे। सामने बाल गोविंद जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार आत्मा परमात्मा पास चली गई थी। ये आनंद की बात थी। उन्होंने बेटे की सीता को आग भी बहू से दिलवाई। जैसे श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरे विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। बाल गोविंद की मृत्यु भी उनके अनुरूप हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। घर से काकर निकलते तथा वापस आकर खाते थे, बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वे नए व्रत छोड़ने वाले ना थे। वह पुरानी दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मना किया परंतु वे टस से मस ना हुए। एक दिन अंधेरा में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला बाल गोविंद भगत नहीं रहे। दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।